मैं एक सेकंड से आ रहा हूँ, जो पहला आया ना फर्स्ट बंदा वो 47 सेकंड आया। ब्रीफिंग हो गई, हम नीचे जा रहे हैं वापस फाइनल उसके लिए, उसके बाद हमें गाड़ी। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैची न्यू के में। जैसे कि तुमने देख लिया होगा स्टार्टिंग में, आज बढ़िया गो कार्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ट्राई करते हैं सब कुछ कवर करने का और कैसे क्या करा बुक करा। तो भाई पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, ये देखो ये है सामने, ये रहा टीम स्पोर्ट, नंबर 1 यूके इंडोर गो कार्टिंग का है ये। इनसे मेरी बात, आज का वीकेंड का दिन है, इनवाइट आया था, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा। हमारे पीछे है टीम स्पोर्ट गो कार्टिंग, और ये देखो हमारा सिम्बा ये रहा, ठीक है, और अभी इसको ऊपर भेजते हैं और उसके बाद ड्रोन शॉट देखना है। चलो रजिस्ट्रेशन हमने पहले करा ली थी, अब मिल गई हमें ड्रेस अपनी, ये देखो प्रॉपर रेसिंग वाली, ये पाजी तैयार हो गई है, ये और अभी सर पे वो भी पहनना है बाकलावा, क्या कहते हैं शर्ट करता हूँ, रुको एक मिनट रुको। तो अब मैं भी तैयार होने लगा और फिर दिखाते हैं कि ट्रैक कैसा है। ये देखो भाई मेरी ये है, कैसी फिटिंग आ रही है, टाइट है, शर्ट अंदर लाओ मैं खींचू। ओ भाई बड़ी पीछे रह गई, मम्मी बचपन में स्वेटर बनाती थी, वो हाथ पकड़ के वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, तू देख के पहनियो। ओ भाई रुको यार, ऐसे नहीं सेट पाजी वो पहनना है बस आपको। तो भाई हो चुका हूँ तैयार, दिखाना भाई, ये देखो कुछ ऐसा लुक है। इसको ऐसे रखना है नीचे चिन पे, यहाँ सांस आएगी नहीं। चलो भाई देखते हैं, अब जाना है हमें ऊपर ब्रीफिंग रूम में, ब्रीफिंग देंगे वो हमें वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं। ये मेरे पीछे है और यहाँ पे लॉकर भी है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं फ्री में, तो अब ब्रीफिंग के लिए जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है लुक बताना, अब जा रहे हैं, ब्रीफिंग हो गई है, हम नीचे जा रहे हैं वापस फाइनल उसके लिए, उसके बाद हमें गाड़ी मिल जाएगी। पहला सेशन करके आए हैं अभी, और पहले सेशन में इतने ज़्यादा लोग ठुक रहे थे क्योंकि सबको आती नहीं है ना, मेरे को तो आती थी, मैं पहले ही लैप में मैं भगाने लग गया, मेरे को ना रोक लिया पिट लेन में जाके कि भाई ओवरटेक नहीं करना है अभी, येलो लाइट्स हैं, फिर मैंने हल्के किया थोड़ा, बाकी अपने इस वाले कैमरे से रिकॉर्ड हुआ होगा सब, तो ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो पूरा व्यू कैसा था। एक और रेस हो जाए फिर दोनों का मिला के डालूंगा, और मज़ा आ रहा है भाई बहुत बढ़िया, अंदर से एड्रेनलिन रश हो गया। यहाँ पे और भी बढ़िया जगह है देखो, ये ना खाने पीने की भी लगा है, रेस्टोरेंट टाइप का है, बार टाइप का है, और उसके अलावा यहाँ बैठो चिल करो। अभी जा रहे हैं सेकंड सेशन के लिए, तब मज़ा आएगा, तब दिखाते हैं। अब जा रहे हैं सेशन 2 के लिए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे इस बार। और हम लोग ने क्या गलती कर दी थी पहली बार ना, येलो में जब मैंने अभी बताया तो रोक लिया था, और इस बार वो गलती नहीं करेंगे और इस बार बढ़िया होगा। और मेरी कार्ड है, कार्ड का नंबर अभी दिया नहीं है बट दे देंगे, अपनी अपनी कार्ड में बैठना होता है, पिछली बार मेरी कार्ड में कोई और बैठ गया था बट हाँ थर्ड में आ गया था, तो देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है जीतेगा, हारूंगा मैं, देखते हैं भाई देखते हैं।
और तुम्हारा भाई आ गया थर्ड। मैं एक सेकंड से आ रहा हूँ, जो पहला है ना फर्स्ट बंदा वो 47 सेकंड आया, मैं 46 सेकंड पे आया हूँ। एनीवेज मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। अभी स्कोर दिखाता हूँ, ये रहा मेरा रैच, मैं आया हूँ 47 सेकंड में किया है मैंने, और ये बंदे ने 46 सेकंड में किया। मेरा आज भी चल रहा था यार। बाजी कैसा रहा फिर? ओ भाई लास्ट जो लास्ट में हमारे वो थे ना, आप तो दिखे ही नहीं मेरे को। मैं तो मेरे को देखा था आपने मेरी गाड़ी में? अरे आप का भाई, भाई ये बंदा सामने खड़ा है, मैं दिखाता हूँ अभी। इससे मेरी रेस चल रही थी, ये भाई रेड लाइट हो रखी तब भी बंदों को ठोक ठोक के आगे निकल रहा था, चीटिंग कर रहा था, एक सेकंड आगे निकल। कोई नहीं भाई, अपनों को मज़ा आया, बढ़िया एक्सपीरियंस था। जरूर आना टीम स्पोर्ट्स कोवेंट्री या फिर कहीं पे भी यूके में, और टीम स्पोर्ट्स जरूर आना और मस्ट ट्राई करना, और अपने दोस्तों के साथ जाओगे बहुत मज़ा आएगा। वैसे अकेले भी आ सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इनके साथ कर सकते हो, बट दोस्तों के साथ होगे तो और मज़ा आएगा। आपस में स्कोर, लैप टाइमिंग, ये चीज़ें अब सब देखो। बैठ के यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, देखो मेरे पीछे है ब्रीफिंग रूम, इसमें हमें ब्रीफिंग दी गई थी और हेलमेट वगैरह सब यहीं पे, और इस टीवी में चल रहा था कार्यक्रम, और यहाँ से बाहर है ये वाले एरिया। पाजी पुल्स आ गई, पुल्स भागो। तो गाइस अपना हो चुका है गो कार्टिंग का एक्सपीरियंस, बहुत तगड़ा रहा। और क्या हो गया, पुल्स क्यों भाग रही है? कुछ तो हो गया। एनीवेज अभी यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया, मज़ा आ गया। आपने ड्रोन शॉट्स देख ही लिए होंगे। और टीम स्पोर्ट्स गो कार्टिंग जरूर ट्राई करना, बढ़िया था वैसे तो। स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है, स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के काफ़ी सस्ता पड़ता है। यूनिटेज अगर आपके पास है तो यहाँ पे आके अगर आप दिखाओगे तो चल जाएगा वो, बाकी ऑनलाइन बुक कर लेना, ऑनलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ कोवेंट्री में, यूके में बहुत सारी जगह है, मतलब मोस्टली बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो है ही। और अब शाम हो चुकी है, अब वापस जा रहे हैं घर, रात हो गई है, वैसे 8 बज गए, बट जब जागो तब सवेरा है यहाँ पे यूके में समर्स में। का एक्सपीरियंस बढ़िया था ट्रैक में, बहुत छोटे ट्रैक सही था, अगर 4 जने होते सिर्फ या 5 जने होते। हाँ। इन्होंने 8-9 जने उतार दिए, वो ना भीड़ सी हो गई थी एक पॉइंट पे आके। जैसे मैंने 8-9 लैप जो लगाए थे ना, वो मैं अकेला चल रहा था आगे, तो ये सब पीछे थे, बट 9वें लैप के बाद, 9वें लैप के बाद मैंने मेरे आगे ये सारे लोग ऐसे हल्के हल्के चल रहे थे, फिर ओवरटेक किया एक एक करके सबको, मजा आ गया। वो देखो कितना बढ़िया मोटर रूम खड़ा है, देखो अंदर क्या बढ़िया है मोटर रूम में, बढ़िया। यहाँ पे सब लोग ना मोटर होम में घूमते हैं, फैमिली ट्रिप लगाती हैं, अपने भी लगाएंगे किसी दिन आने वाले सालों में, पूरा यूके घूमेंगे, हो सकता है कनाडा या यूएसए भी घूम लें। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर बाय।